नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है उत्तराखंड के देहरादून शहर में। देहरादून शहर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि यहाँ की एजुकेशन के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ के बढ़ते इंस्टीट्यूट्स गवाह है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए आगे अग्रसर हैं। मगर इन सब के बावजूद यहाँ की युवा पीढ़ी माइग्रेट हो रही है, शहरों की तरफ आकर्षित हो रही है अपनी नौकरी अपनी आजीविका पाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? आज गोष्ठी में हिमगिरी की आवाज़ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आरएस गोयल जो कि डीन है हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी में। नमस्कार। संजीव कुमार स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और साथ ही डॉक्टर अनोज राय जो कि हेड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून की जब हम बात करते हैं तो यहाँ न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सुंदर शहर है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, इतने कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ के युवा जो है पढ़ने के बाद शहरों का रुख करते हैं, आखिर ऐसा क्यों सर? देहरादून जैसे आपने कहा बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है और हिस्टोरिकली यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन के सेंटर बने, हब बने। सम द बेस्ट स्कूल इन द कंट्री लाइक दून स्कूल है, वेलम स्कूल है, यहाँ है। इसके बावजूद भी जो हायर एजुकेशन की बात जब उठाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही और देखा गया है कि शुरू से ही बच्चे यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी बनी और उन्होंने अपना काम शुरू किया, परंतु अभी भी उस किस्म की यूनिवर्सिटी नहीं है जो सबकी ज़रूरतें यहाँ पूरी हो सके। ज़रूरतों से क्या मतलब है? ज़रूरतों से हम क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्होंने बोला ज़रूरतों से पूरा नहीं कर पा रही हैं यूनिवर्सिटीज़? आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत है किसी यूनिवर्सिटी की जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि प्रोफेसर गोयल बता रहे हैं कि दून स्कूल अपने लिए एक एजुकेशन के फील्ड में जाना माना और नाम है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है कि ये स्कूल लेवल पर रहा है और 10+2 तक स्कूल के लिए तो अच्छा रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो हम व्यवसायीकरण जिसके लिए कहते हैं उसकी उस शिक्षा की कमी रही है, जिसलिए रोज़गार के जो तलाश की है हायर एजुकेशन लेने के बाद, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो सैद्धांतिक ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, और उद्योगों की भी कमी रही है उत्तरांचल स्टेट बनने के बाद। तो ज़रूर है कि ये यहाँ से जो आवश्यकताएँ थी, मूलभूत आवश्यकताएँ थी जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, तो युवा इसीलिए यहाँ से पलायन करके दूसरे शहर में गया है। तो ये ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि अभी जैसे सर ने कहा एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन की अभी दशा इतनी अच्छी नहीं है देहरादून में, इसीलिए यूनिवर्सिटी स्टेबल भी हो रही नहीं। अच्छा संजीव, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ की दशा अभी पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है, सुधार नहीं हुआ है उसमें, लेकिन हम कहते हैं कि देहरादून में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं और खुलने के बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि भाई उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आज वो एजुकेशन के करिकुलम के साथ मैच नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि वो जस्टिस नहीं है बच्चों के भविष्य के साथ? जी बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है देहरादून का जो माहौल है यहाँ पर जो है क्वांटिटी ज़्यादा है और क्वालिटी हो गई है कम, बिकॉज न्यूमरस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस आर हियर अराउंड 35, जिसमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो माइग्रेशन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मजबूरी, दूसरी ग्रोथ और तीसरा मनी। मजबूरी कि यार मैं चाहता हूँ कि ये हो और उसको यहाँ मिल नहीं रहा है तो वो कहता है कि लेट माइग्रेट टू मेट्रोज यार, वहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगी। दूसरे होते ग्रीडी लोग जो ग्रोथ के पीछे भागते हैं कि मेरे को आगे बढ़ना है और यहाँ पर उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है तो वो मेट्रो सिटीज़ की ओर रुख कर रहे हैं। तीसरा पैसा जो फैक्टर है, यहाँ है नहीं और मेट्रो सिटीज़ में आपको अवेल हो। जी प्रोफेसर गोयल, जैसे इन्होंने यही बात बोली कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई वो करा रहे हैं, एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जब वो एक प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए, जहाँ प्लेसमेंट का मुद्दा आता है, वहाँ पे उस हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं की जाती। संजय ने 2-3 बातें अच्छी उठाई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और उन पर चर्चा भी की जानी चाहिए। पहली बात तो जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनी हैं वो काफ़ी नई हैं, पिछले 10 वर्षों में यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, उसके पहले सब स्कूल लेवल पर एजुकेशन होती थी। अब किसी यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम एक पीरियड होता है अपने आप को ब्रांड बनाने का, अभी वक्त गुजरा नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी बना पाई ब्रांड, कुछ बनाने की प्रक्रिया में है। सेकेंड बात के जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख जाते हैं, अब इस प्रांत में जो 2-10 साल 12 साल पहले बना था
यहाँ की पॉलिसी इतनी मेच्योर नहीं हुई अब तक भी कि बच्चों को पूरा एम्प्लॉयमेंट सबको अपने मर्जी का मिल जावे, और इसकी वजह से बच्चों को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ना तो पेमेंट मिल रहा है अच्छा, ना इतनी अपॉर्चुनिटीज है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेट की थी किसी हद तक वो सही थी एक दौर में, पर अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ने लगी है जिससे कि सब बच्चों को, एटलीस्ट मैक्सिमम बच्चों को यहाँ जॉब मिलने की संभावना, और वो जॉब जिससे वो सेटिस्फाइड हो, तनख्वाह अच्छी मिले और आगे भविष्य अच्छा हो, ग्रोथ मिल सके। तो वो बदलाव लाने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिसी बने स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। क्या ऐसी कोई पॉलिसी अभी है फिलहाल जहाँ जो स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे सर ने बताया, क्या ऐसी कोई पॉलिसी अभी है जो इस तरह की माइग्रेशंस को रोकने के लिए हेल्प कर सकती है? जैसे सर ने कहा कि मैच्योर पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि हम अडॉप्ट कर रहे हैं यूपी की पॉलिसीज को, क्योंकि जब उत्तराखंड बना बाद में तो ये पॉलिसी वहीं से अडॉप्ट की गई, और ये कहा गया कि उत्तरांचल स्टेट को, क्योंकि ये हिल स्टेट है जी। तो इसके लिए अलग से बजट मिलता था यूपी के टाइम में भी, लेकिन बाद में हुआ कि इसको अलग सेपरेट कर दिया जाए। लेकिन सेपरेट करने के बाद भी आज जब अलग हुआ ये उत्तराखंड यूपी से, तो तब भी इसकी पॉलिसी वही रही जो एजुकेशन की पॉलिसी थी, क्योंकि इसमें जब एजुकेशन दी गई तो उसमें हाई स्कूल लेवल तक वो जो व्यवसायीकरण था उसका कोई भी अभी स्थान नहीं है। तो जब हाई स्कूल या प्लस टू के बाद बच्चा आता तो उसके पास कोई ऐसे कैरियर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो वो सिंपल क्या करता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, चाहे वो बीटेक है, चाहे एमटेक है, एमबीए से, और ये सारी डिग्री ले लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है जी। तो ऐसी कोई अभी डेफिनेट पॉलिसी स्टेट की नहीं बनी कि हम क्या करें, यानी कि हम करिकुलम के हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं दे रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं। इसका क्या समाधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में पढ़ा लिखा यूथ माइग्रेट क्यों हो रहा है। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज कम है और थ्योरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, खामी कहाँ है? खामी हमारी पॉलिसीज़ में, क्योंकि जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है या जो यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और इस मामले में क्या है, जैसे ऑटोनोमस हैं यूनिवर्सिटीज़ और जो एक्सपर्ट हैं, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ बने ही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो खुल रही हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे देहरादून में 5 हैं, सारे उत्तराखंड में करीबन 19 यूनिवर्सिटीज़ अभी काम कर रही हैं, और 19 यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम रेशियो डालें टीचिंग स्टाफ की ओर, तभी भी वैकेंट हैं पोस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क करता है वो है ही नहीं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लैकुना है, और ज़बरदस्त लैकुना है जब हमारे पास कैरिकुलम बनाने वाले नहीं हैं, और हम केवल एक पॉलिसीज़ पे, चाहे वो कहीं भी, चाहे विधानसभा में केवल विधेयक पास होकर यूनिवर्सिटी बनाना, ये केवल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उद्देश्य है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, क्योंकि तैयार करना। यस गुल साहब, आप बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पॉलिसीज की कमी है, प्रैक्टिकलिटी की कमी है, थ्योरी की ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वोकेशनल कोर्सेज की भी यहाँ पे कमी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज फिर भी आ रही है, यूनिवर्सिटीज के लाइसेंस फिर भी पास हो रहे हैं, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा करिकुलम शुरू करे, किस तरह से ये हो सकता है? देखिए, आज के युग में ये संभव नहीं है कि यूनिवर्सिटी को कंट्रोल किया जाए, और होना भी नहीं चाहिए, परंतु इस साथ क्या, ये जरूरी है कि यूनिवर्सिटी ये समझे कि उनका कोई दायित्व है, उसको पूरा निभाएं। यूनिवर्सिटी खाली बनाने से धन कमाने की यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, उनका उद्देश्य बहुत डिफरेंट है, शिक्षा का प्रश्न। लेकिन ये कौन तय करेगा कि उसका उद्देश्य क्या है? मैं इसके बारे में आता हूँ। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा उठता है, यूनिवर्सिटी को लोकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ना पड़ेगा, खाली एमए या डिग्री की देने से बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। जब तक कि हम अपने एजुकेशन को लोकल कॉन्टेक्स्ट से नहीं जोड़ेंगे, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज खड़ी होती है एम्प्लॉयमेंट की, जिसके लिए हमें अच्छे से कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, जिससे बच्चे यहाँ के पढ़े और यहीं वो एम्प्लॉयमेंट पा सके। ठीक है, यूनिवर्सिटी उसके लिए कोशिश नहीं कर रही है, बने बनाए कोर्सेस लेके आते हैं और स्टेट से और यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, विच इज वो उद्देश्य यूनिवर्सिटी का नहीं है, ना यूजीसी ने ऐसा चाहा था, परंतु वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ठीक से ऑन नहीं कर पा रही है। जी, हमारे साथ फोन लाइन पे एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो, मेरा नाम निखिल है। जी निखिल, अपना सवाल पूछिए। मैम, अभी गोयल सर ने बोला था कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ब्रांड बनने में 10 साल लग जाते हैं जी। पर उन 10 सालों में उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो इस बीच में पास आउट हुए हैं
जी बहुत अच्छा सवाल है निखिल का कि यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं उनका एक पर्दा देते हैं कि अरे इनको तो ब्रांड बनने में अभी 10 ईयर्स हैं, वो तो अपना अभी अपना धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, उनका ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं है, जो क्वालिटी है अपने आप बोलती है जी। अगर यूनिवर्सिटी अच्छे कोर्सेज पढ़ा रही है, ढंग से पढ़ा रही, तो बच्चे अपने आप प्लेसमेंट लेंगे। ब्रांड का मतलब होता है कि आने वाले बच्चों के लिए, हाँ जी मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि इसका इसमें नाम है। हम आईटी में क्यों जाते हैं, हम आईआईएम्स में क्यों जाते हैं, कि उसका एक ब्रांड है। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ताकतवर हो गई हैं, वो ब्रांड बन गई हैं, 10 साल हो गए पूरे वो ब्रांड बन गई, सब आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नहीं रुक रहे, उत्तराखंड में देहरादून में वो नहीं रुक रहे, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जा रहे हैं, वो देहरादून को छोड़ के वो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में जा रहे हैं, आखिर क्यों? उसका जवाब अब स्टेट को देना होगा, क्योंकि स्टेट को ये समझना पड़ेगा कि इतने बच्चे जब एजुकेट हो रहे हैं देहरादून में और शहरों में, उनको यहाँ जॉब उनके लिए हमें क्रिएट करना है। ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी पॉलिसी बनानी है कि बच्चे यहाँ एजुकेशन लेके यहीं रह जाएं। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, धार्मिक टूरिज्म होता है, एडवेंचर टूरिज्म होता है, प्राकृतिक टूरिज्म होता है, क्यों नहीं उसके लिए हम इतने पोटेंशियल क्रिएट करें कि बच्चे यहीं जॉब लें। होटल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है, सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी इस दिशा में बनानी पड़ेगी जिससे कि बच्चे एम्प्लॉयड हो और प्लान भी ग्रो करेगा और बच्चे भी ग्रो करें जी। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस हिसाब से जैसे क्षेत्र है उसके हिसाब से सोचें और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि जब बच्चे वहाँ से पढ़ के बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी में, और उसी यूनिवर्सिटी में वो उस तरह के करिकुलम को भी शामिल करें जिससे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्या ये समाधान है? बिल्कुल बिल्कुल समाधान है इसका, क्योंकि अगर हम ये देखें यूजीसी एक्ट की बात करें, यूजीसी ने भी कई रेगुलेशन पास किए उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि जैसे कि प्रत्येक स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और तरह तरह की अन्य इंस्टीट्यूट की बात की है कि मैंने एक एक्सपर्टीज़ जो हम बात करते हैं कि इस तरह के होना चाहिए, तो स्टेट ने भी प्रयास किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि बिना भौगोलिक स्थिति को जाने हुए हमने वो स्टार्ट तो कर दिए और नहीं हमने ये बताया कि आपका नेचर ये होगा। अच्छा होता है कि ये पॉलिसीज़ पहले होती कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ ये, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए। जब गवर्नमेंट शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे एरिया चूज़ करें जिसमें टूरिज्म, इको टूरिज्म हम बढ़ावा देंगे, या फ्रूट बेल्ट बनाएंगे, फल पट्टी की बात करी थी कि हम इसको डेवलप करेंगे, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमारे कैरिकुलम में कोई ऐसा है ही नहीं, कोई कैरिकुलम आज की डेट में है ही नहीं कि हम इको टूरिज्म डेवलप करें। हम सिंपल अगर हम देखें केवल कई गढ़वाल यूनिवर्सिटी या कुमाऊं यूनिवर्सिटी देखें तो वो केवल जो हमारे कोर्स ट्रेडिशन चल रहा है वही चलाते हैं। संजीव जी आप बताइए, जैसे सर ने बोला कि ट्रेडिशनल कोर्सेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को कम बढ़ावा दे रहे हैं, थ्योरी को ज़्यादा है, यहाँ की जो सामान्य परिस्थिति है उसको समझ के करिकुलम बनाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ये बातें जो हैं कितनी हद तक जायज़ हैं माइग्रेशन को रोकने के लिए? बिल्कुल मैम, कई हद तक जायज़ हैं ये बातें जो हैं, क्योंकि आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, तो वहाँ से वो इतना उड़कर यहाँ देहरादून में आती है, क्यों आती है? क्योंकि उसको अपना मनपसंद मौसम मिलता है, अपना मनपसंद आहार मिल रहा है, सब कुछ उसको अपना मनपसंद मिल रहा है, तो वो इतनी दूर से यहाँ आ रही है। तो अगर एक यूथ को, एजुकेटेड यूथ को यहाँ देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के किसी भी जगह पर अगर मन मुताबिक मौसम मिल रहा है, मन मुताबिक खाना मिल रहा है, तो वो यहाँ से क्यों जाएगा? यहाँ हम रुकते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार मैम, मेरा नाम अमित है। जी अमित, मैम मैं जानना चाहता हूँ कि ये देहरादून में जॉब अपॉर्चुनिटीज आईटी सेक्टर में बिल्कुल भी है नहीं, तो इसके क्या कारण है? अमित का सवाल है कि आईटी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो यहाँ पे पढ़ाई है आईटी के लिए लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या समाधान है? अगर सरकार चाहे तो पॉलिसी या स्ट्रेटेजी बना के आईटी हब बना दे जी। जब कॉल सेंटर खुले जहाँ आईटी की इंडस्ट्री की काम हो जी। तो अपना भी जॉब मिल जाएंगे जी। अब और स्टेट ने किया ये काम, महाराष्ट्र ने किया, राजस्थान ने किया, चंडीगढ़ ने किया, आईटी के हब बना दी। आंध्र में जाइए, हैदराबाद बिकम आईटी हब, पुणे चले जाइए, तो वाई नॉट देहरादून? तो वहाँ की सरकार ने भरपूर कोशिश की आईटी हब क्रिएट कर। अनफॉर्चुनेटली देहरादून ऐसा शहर है जहाँ आईटी हब बनाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्लाइमेट अच्छा है, फैसिलिटी सारी अच्छी हैं, थोड़ी सी कोशिश सरकार करे, इंडस्ट्री को लाए, उनको सब्सिडी दे, उनको मोटिवेट करे, तो क्यों नहीं आईटी हब बने, क्यों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, नॉट ओनली लोकल, बाकी बच्चे यहाँ पे आके काम करेंगे।
सरकार को थोड़ा सा चेतना तो लानी पड़ेगी। संजीव, सब सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि यहाँ पे करिकुलम को दोष दिया जा रहा है कि वो पर्याप्त नहीं है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। आपको क्या लगता है इसके अलावा कौन से फैक्टर्स और हो सकते हैं? मैम, पर्सनली मैं जो बिलीव करता हूँ वो है कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है यहाँ पर हरास करते हैं यहाँ के यूथ को। किस तरह? आप देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क करता है 1-2-3 पे, यानी कि एक एम्प्लॉय, डबल सैलरी और 3 जनों का काम। ये तो बात हुई ए ग्रेड सिटीज की, आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, ये ग्रेड सिटी होगी ए ग्रेड। अब आती है बी ग्रेड सिटीज। अब बी ग्रेड सिटीज में आता है 1-3, यानी कि एक बंदा सिंगल सैलरी, ट्रिपल काम, तो वहां कहीं ना कहीं उसकी हरासमेंट हो रही है। अब जब ये बात आती है सी ग्रेड सिटीज में, तो सी ग्रेड में होता है 1-4 कि भाई एक बंदा 4 गुना काम, सिंगल सैलरी, तो वो क्यों फ्रस्ट्रेट ना होकर अपने आप को माइग्रेट करें। इस पर हम और चर्चा करेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ा लिखा यूथ देहरादून में माइग्रेट क्यों हो रहा है। हमने बात की कि यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जितना भी वो पढ़ लें प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रही है। क्या आपको लगता है कि कहाँ पे कमी आ रही है? सिस्टम में भी इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज निकालनी चाहिए, कहीं पे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली लेकिन वो कारगर नहीं सिद्ध हुई, कहाँ पे कमी है? इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के लिए बहुत आवश्यक है कि कॉलेज और इंडस्ट्री इंटरफेस हो, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंटरफेस हो। गवर्नमेंट बताएं कि हमको ऐसे कोर्सेज बनाने हैं, हमारी ये पॉलिसी है जिसमें हम उसके लिए ऐसे कोर्स यूनिवर्सिटी बनाएं। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि समाज की जरूरतों के हिसाब से कोर्सेज बनाएं, तो वो इंटरफेस क्रिएट नहीं हुआ है। इंटरफेस बनेगा तो वैसे कोर्सेज बनाएंगे हम, फिर वो कोर्सेज लोगों की नीड्स को पूरा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो अब एक नेक्स्ट जो स्टेप यूनिवर्सिटी को जो लेना है, सरकार को जो लेना है, वो इंटरफेस के बातचीत हो कि ऐसे कोर्सेज हमें चाहिए जो समाज की जरूरतों को पूरा कर। यहाँ पे हम रुकते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी हेलो। जी मैम, मेरा नाम मनीष है। मैम जी, मनीष अपना सवाल पूछें। मैं यहाँ से एचएम कर रहा हूँ और यहाँ पे देहरादून में होटल मैनेजमेंट के कॉलेज तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे टूरिज्म का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम है। हमें उतना अच्छा पे स्केल यहाँ पे नहीं होता है जो कि हमें बाहर मिल पाता है, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए? जी मनीष पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, यहाँ पे वो लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्सेज कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक स्टेटस वापस उनको इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, क्या पॉलिसीज हो सकती है? नहीं, पॉलिसीज बनी है, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे हर समय दो सम सरकार के ही दें, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि हम अवेयर नहीं हैं। जब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, चाहे अपना एक ढाबा ही खोलना है टूरिज्म रोड पे, तो गवर्नमेंट उसके लिए लोन सेंक्शन करती है। ऐसे नहीं, बहुत सी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई हैं, उसमें योजनाओं में क्या है कि वो अपना जैसे टैक्सी लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, तो उसके लिए भी लोनिंग है, लेकिन हमें प्रॉपर पता नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फिर युवा क्या है, एक हमारी थोड़ा फिलोसफी भी रही, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कि हम लिथार्जिक हो रहे हैं क्योंकि हम एक सोच डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये माइग्रेट हो गए, माइग्रेट जब हो जाते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया कि इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उस माइग्रेशन का नुकसान क्या है? संजीव क्या लगता है? सबसे पहले तो मैम, बहुत ही काबिल जो युवा हैं वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, जो अगर हमारे स्टेट में रहें, हमारे शहर में रहें, अपने ही होम टाउन में रहें, तो वो वहाँ पर वंडर्स कर सकते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट प्लानर्स होते हैं, अब जितने भी यंगस्टर्स हैं वो डेवलपमेंट प्लानर की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना रुख किया है कि हम डेवलपमेंट प्लानर बनेंगे। लेकिन आज भी जो है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए, कहीं भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में देखिए, जितने भी बैठे हुए हैं वहाँ पे सारे इकोनॉमिस्ट ही बैठते हैं, कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट प्लानर नहीं बैठता वहाँ पर। तो अब उनको वो मौका नहीं है, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेट्रोज में ही अवेल कराते हैं। अगर हम देखें कि इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है, क्योंकि स्टेट से जब अच्छा ब्रेन निकल जा रहा है तो वाकई मैंने नुकसान स्टेट को है। दूसरी बात है कि हमारी जो अब इकोनॉमिक है वो केवल मनी ऑर्डर पर रह जाएगी, उसको मनी ऑर्डर इकोनॉमिक्स कहेंगे हम, कि वो वहाँ से पैसा भेजेगा और वो उसका, क्योंकि अब वो फिजिकली यहाँ पे नहीं है, और जब फिजिकली नहीं है तो अब कौन है? अगर हम देखें कि अगर युवा नहीं है तो उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, तो वो क्या डेवलप करेंगे फिर?
क्योंकि उनको तो सहारा चाहिए इस समय, तो वो सोसाइटी फिर बिल्कुल नेगलेक्ट हो जा रही है। तो जो हमारा कल्चर है वो ये है कि अतिथि देवो भव, और अगर हमें देखें कि अगर वो दूसरी जगह अगर कल्चर वेल है तो उसका नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वो आ रहा है, उस कल्चर को लेकर आ रहा है, अडॉप्ट करके आ रहा है। लेकिन हम कल्चर ये नहीं कहेंगे कि वो लैग बन रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक फ्यूजन नया क्रिएट हो रहा है। कल्चर आज भी बरकरार है, हर कल्चर इवॉल्व होती है, उत्तराखंड में कल्चर भी लगातार इवॉल्व हो रही है, फ्यूजन हो रहा है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है और असंभव भी है कि हम उसको मेंटेन करेंगे। हमें नई चीजें आत्मसात भी करनी है और बदलता भी, यानी कि एक कल्चर जा रहा है और दूसरा आ रहा है, इस पे हम और चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस टाइम फोन कॉल पे श्रोता जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। जी पंकज, मेरे को ये सवाल पूछना था कि जितना ध्यान यहाँ पर नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को खोलने पर दिया जाता है, उतना ही ध्यान क्या यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं दिया जाना चाहिए? जी पंकज का सवाल वही है, घूम फिर के हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। हमारा मुद्दा वही है कि यहाँ पे जब पढ़ाई है उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो यहाँ आए, खुलें और यहाँ पे अपना एक बिजनेस भी चलाएं, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट को उतनी ही तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी चाहिए? ये उत्तराखंड का अगर हम देखें लिटरेसी रेट पर अगर ध्यान दें तो वो नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग है कि 80% आज लिटरेट लोग हैं। ऐसे नहीं कि जैसे उन्होंने अभी कह रहे हैं कि जो वो हैं हमारे कॉलर, वो कह रहे हैं कि ठीक है एजुकेशन तो है और जॉब अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम वहीं पे फिर वही आ जाती है कि हमने स्कूल तो खोले, हमने उसमें ये जैसे अगर जर्मन और जापान की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें अपने स्कूल सिस्टम से, वहाँ पे कम से कम 3-4 स्किल्स ज़रूर सिखाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नदी के किनारे रहने वाला जो स्कूल है उसके बच्चे बह जाते हैं, उसको तैरना नहीं आता क्योंकि वो स्किल डेवलप नहीं है, उसका स्किल डेवलप कराया नहीं, कम से कम वो उसको तैरना तो सिखा सकते हैं। तो ये लैकुना है, मैंने ऐसा नहीं कह सकते हमारे एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब भूकंप जोन है उसको पता ही नहीं कि हम कैसे बचें उससे, हम अवेयर नहीं क्योंकि कैरिकुलम का हिस्सा नहीं है, अब थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी तब मिल सकती है कि जब हम लोकलाइज करें उस नॉलेज को, कि समाज के साथ जुड़े, लोकल उसको देखें और साथ में ये भी देखें कि ज्योग्राफी कल कंडीशन हमारी क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ये भी है कि अगर हम पिथौरागढ़ साइड में देखें तो बॉर्डर एरिया करीबन हमारा बहुत ज़्यादा है, चाइना से लगा हुआ है, और यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज बढ़ सकती है कि यहाँ के लोगों को पता है, दर्रे पते हैं, तो उनको क्यों ना उन सिक्योरिटी सर्विसेज में ले सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और इकोनॉमिक स्टेटस को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिक स्टेट में जैसे कि सर ने बताया था टूरिज्म, इको टूरिज्म ज़बरदस्त है, वाटर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अगर हम देखें कि फ्रूट्स अगर हम करें, फ्लोरिकल्चर पर ध्यान दें, क्योंकि अगर फ्लावर का देखें क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, अगर नहीं हमारे पास कॉन्टैक्ट रूट्स ऐसे है कि जो 4-5 घंटे बाद हम पहुंच पाएँ, क्योंकि पूरा दिन लगता है, अगर केवल 300 किलोमीटर चलने में आपको 12 घंटे लग जाते हैं, तो ये कंडीशन है कि जब हम एक फ्लावर को वहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे, देहरादून में लाएंगे माना गाँव से, तो तब तक ख़राब हो जाएगा क्योंकि स्टोरेज की वो नहीं है। तो इस तरह से इकोनॉमिक स्टेट बढ़ सकता हमारा, ऐसे नहीं है क्योंकि सोशल सेक्टर में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। जी, इसके साथ 2-3 चीज़ें डॉक्टर साहब ने उठाई जो बहुत रिलेवेंट हैं। एक तो मेरे पैसे पहले का यूनिवर्सिटी का लोकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ना बहुत आवश्यक है, अब तक हो नहीं पाया है, नंबर एक। नंबर दो, स्टेट से जुड़ना यूनिवर्सिटी का बहुत आवश्यक है, वो भी नहीं हो पाया। अब स्टेट की जो पॉलिसी हैं, जो स्ट्रेटेजी हैं, जो भी हैं अच्छी है ख़राब, उनके साथ एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा। जी, आज की चर्चा में हम यहीं रुकते हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है सिस्टम की, तभी क्षेत्र में माइग्रेशन कम हो सकता है, साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है और करिकुलम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि वो लोकल एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सके। आज की गोष्ठी में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।